नमस्कार स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड माटनर ब्रिज के सामने अजमेर। अजमेर जिले में आज भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज क्षेत्र में सामने आए हैं। अजमेर सेंट्रल जेल में 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। आज एक कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई। चिकित्सा विभाग के अनुसार नसीराबाद निवासी 62 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की मृत्यु हो गई। यह महिला अस्पताल में 6 अगस्त को भर्ती हुई थी और इन्हें कोरोना पॉजिटिव के अलावा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की बीमारी थी। चिकित्सा विभाग द्वारा जारी की गई मीडिया ब्रीफिंग के अनुसार पॉजिटिव वार्ड में 54 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 4 मरीज वाईपैक मशीन पर है, वेंटिलेटर पर कोई मरीज नहीं है। 10 अगस्त को अस्पताल में 1633 मरीजों की जांच के सैंपल प्राप्त हुए थे। आज 9 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उनके लगभग लक्षण रहित होने के बाद रूम आइसोलेट किया गया और एक मरीज को कोविड-19 केयर सेंटर भेजा गया। बारिश के पानी में एक भाई के डूबने से बचाने के दौरान बड़ा भाई भी गहरे गड्ढे में डूब गया, जिससे 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। मौत की सूचना पर मांगलियावास गांव में मातम छा गया। मांगलियावास थाना क्षेत्र के दौलतखेड़ा गांव में मवेशियों के लिए चारा लाने गए 2 भाइयों की गड्ढे में भरे पानी में डूबने से मौत हो गई। मांगलियावास थाने के एसआई बदरुद्दीन ने बताया कि मोहित की उम्र 11 वर्ष और धीरज की करीब 14 वर्ष थी, जो कि अपने मवेशियों को जंगलों में चारा चराने के लिए गए थे। आते वक्त एक भेड़ पानी के गड्ढे में डूब गई, जिसे बचाने के लिए 11 साल का मोहित गड्ढे में उतर गया। वह भी जब डूबने लगा तो उसका बड़ा भाई धीरज दोनों को बचाने के लिए उतर गया, मगर बदकिस्मती से दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। बहरहाल मांगलियावास थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी। मेरा नाम रामदेव डिया है, मैं मांगलियावास दौलतगढ़ा से हूँ। मेरे पड़ोस के ये 2 बच्चे थे जो वो भेड़ बकरियाँ चरा रहे थे और अचानक एक छोटा भाई डूबने से बड़ा भाई भी उसको बचाने के चक्कर में उतरा तो वो डूब गए। हम उनको जेल लेकर आए थे, यहाँ लाने पर डॉक्टरों ने भर्ती घोषित कर दिया। ये कोई तालाब वालाब में डूबे? छोटा सा गड्ढा है सर, जिसमें कोई ज़्यादा नहीं, 5-7 फुट पानी था। रोड पे? हाँ, रोड के थोड़ा साइड में है, तालाब के पास में। मौके पर क्या सोचा जी थाने पर? हाँ, मौके पर सूचना दी, लेकिन जब तक आए थे हम तो बच्चों को लेकर आ गए थे सर तक, और पुलिस भी हमारे सपोर्ट में थी। क्या हुआ? ये मांगलियावास के पास में ग्राम दौलतकड़ा है, वहाँ तालाब के पास में है नाडा है, वहाँ उनके खेत हैं। ये धीरज और मोहित वर्के दोनों ना पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भेड़ बकरी चराकर वापस आ रहे तो भेड़ गिर गई थी, उसको निकालने के चक्कर में छोटा भाई उतरा तो छोटा भाई को बचा। सिविलाइन थाना अंतर्गत रहने वाला एक युवक ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। पीड़ित युवक ने सदर कोतवाली थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित नितेश कुमार तंवर ने बताया कि गूगल पे के माध्यम से उसके साथ 1,00,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई है। साथी ठगों ने नितेश को अपनी बातों में फंसाकर उसके खाते से करीब 1,00,000 रुपए निकाल लिए, जिसकी शिकायत आज पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन देकर की गई। गूगल पे से मैंने अपने सिस्टर के अकाउंट में पैसे डाले थे 25,000, जो कि फेल हो गए। फिर मैंने कस्टमर केयर बात करी तो उन्होंने कहा अपने अधिकारी का एक फ़ोन आएगा, और मेरे पास एक नंबर से फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि जैसे भी आपका जो पैसा कटा है वापस रिफंड हो जाएगा। आप एक अकाउंट नंबर दिया और उसमें बोला कि इसमें रिफंड करके डालिए आप। रिफंड करके जैसे ही मैंने डाला तो उनका एक कोड आया था, वो कोड उन्होंने दिया था फ़ोन पे, वर्बली मेरी बात हुई थी और वो कोड डालते अमाउंट पूरा गायब हो गया। मेरा टुकड़ों टुकड़ों में पैसे कटे, एक बार 72,000, एक बार 3,000, एक बार 10,000, एक बार 12,000 के ऊपर। कुल मेरा 99,826 रुपये कटा कल की तारीख में, कल 10 से 11 के बीच में। कल रिपोर्ट लिखाने भी गए थे हम, लेकिन हमारी लिखी नहीं वहाँ पे कोतवाली में, फिर उन्होंने भेज दिया है। तो फिर आज मैं SP ऑफिस के सामने पेश हुआ हूँ। HDFC बैंक है, सूचना केंद्र के पास। मेरे से ये बोला कि आप FIR दर्ज कराओ। मैंने अकाउंट वगैरह सब सीज़ करा दी, और भी पैसा था उसके अंदर, अकाउंट वगैरह सब सीज़ कराए। फिर मैंने ऑनलाइन बात करके सभी HDFC से ऑनलाइन ठगी के इतने मामले सामने आ रहे हैं, तो आपने शेयर कर दिया अपना OTP? शेयर नहीं करा, OTP शेयर नहीं करा मैंने। अगर OTP शेयर करता तो पूरा अकाउंट ही खाली हो जाता, पैसा बचता ही नहीं उसके अंदर। करीब 1.5 लाख रुपये पड़ा था उसमें। तो मैं ट्रांसफ़र ऑनलाइन ही करता हूँ। काम क्या? मैं बैंक में काम करता हूँ।
थाना अंतर्गत नारेली इलाके में अंग्रेजी शराब के ठेके से बदमाशों ने सेल्समैन को डरा धमका कर करीब 35 पेटी अंग्रेजी शराब की लूट कर फरार हो गए। शराब ठेके के सेल्समैन भरत सिंह ने बताया कि बीती रात वह शराब के ठेके के बाहर सो रहा था। करीब रात 3 बजे 3 बदमाश आए और उसे डरा धमका कर साइड में खड़ा कर दिया और विभिन्न ब्रांड की 35 अंग्रेजी शराब की पेटियां लेकर फरार हो गए। शराब ठेका रेखा देवी के नाम पर अलॉट किया गया था। बहरहाल अलोरगेट थाना पुलिस लुटेरियों की तलाश में जुट गई है। मैं रात को बाहर सो रहा था तो करीबन 3 बजे के आसपास में आए थे। कितने जने थे भैया? 2 से 3 आदमी थे। अच्छा, क्या हुआ? मुझे साइड में बैठा दिया धड़ा धमका कर। दुकान है कितना माल गया आपका? कितनी पेटियां की दाम की? 35 पेटी के लगभग थी अंग्रेजी शराब की। ब्रांड कौन सी गाड़ी लेकर आए? गाड़ी कौन सी लाए थे? वो गाड़ी मुझे पहले बैठा दिया, गाड़ी को मैं देख नहीं पाया था। अच्छा। एक बंदा मेरे पास ही खड़ा था उधर ही। लगभग कितने का माल हुआ? 4 लाख के आसपास। कौन कौन सी ब्रांड थी इसमें? इंग्लिश की टीचर्स थी सिग्नेचर थी। मुकदमा दर्ज कराते हैं आपने? हाँ जी। कौन से थाने में? अलवर गेट। आदर्श नगर थाना अंतर्गत बड़लिया चौराहे पर मिठाई और नमकीन की दुकान से अज्ञात चोर गले में से 4,000 रुपए नगद और जरूरी दस्तावेज चुरा कर फरार हो गए। दुकान मालिक संजय खंडेलवाल ने बताया कि 8 अगस्त की रात करीब 12 बजे 2 अज्ञात चोर दुकान के शटर का ताला तोड़कर गले में रखे 4,000 रुपए ATM कार्ड गाड़ी की RC चुरा कर फरार हो गए। ये पूरी वारदात पास की दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में दो युवक दुकान की तरफ आते नजर आ रहे हैं। 5 तारीख की रात्रि 12 बजे मेरी दुकान के ताले तोड़कर उसमें करीब गले में 3,500-4,000 रुपये थे वो और मेरे ATM कार्ड और गाड़ी की RC निकाल कर ले गया। पास वाली दुकान में CCTV कैमरे में उनकी फुटेज देखी तो दो बंदे उसमें दिख रहे हैं लेकिन उनकी तस्वीर साफ नहीं आ रही है। कौन सी दुकान है आपकी? मेरी दुकान सिवन सीट्स बल्डिया इंजीनियरिंग कॉलेज के पास स्थित है। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के द्वारा अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आज 150 सफाई कर्मचारियों का सम्मान मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर गोपाल बाहेती ने बताया कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें आज नगर निगम के सभागार हॉल में सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के द्वारा अपने अजमेर में अगस्त क्रांति सप्ताह का 7 दिन का कार्यक्रम किया जा रहा है जिसकी शुरुआत हमने 9 तारीख को विचार गोष्ठी और वृक्षारोपण से की। कल हमने मूर्तियों का सफाई किया और आज सफाई कर्मियों के जो विभिन्न वर्ग हैं उन सबका सम्मान किया जाएगा और 150 सफाई कर्मियों का सम्मान हम करेंगे जिससे उन्हें मोमेंटो और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। चूँकि महात्मा गांधी का संबंध सफाई कर्मियों से बहुत ज़्यादा था। महात्मा गांधी ने एक जगह कहा है कि मुझे स्वच्छता और आज़ादी में से एक चुनना पड़े तो मैं स्वच्छता को चुनूंगा। महात्मा गांधी ने अपना जो अखबार निकाला उसका नाम उन्होंने हरिजन रखा। इतना महात्मा गांधी को इस समाज से लगाव था। ये घटना इनके जीवन की ओर आती है कि इनके आश्रम में एक ये अभी जो वर्तमान में आपको जैसा सबको विदित है कि गांधी जी का 150वें वर्ष का जो ये आयोजन किया जा रहा है लगातार इसके तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में अभी अगस्त में ये जो सप्ताह चल रहा है ये पूरा सप्ताह जिसमें अनेक कार्यक्रम जो शुरू से चालू कर दिए गए हैं जो 9 तारीख से शुरू हो गया था सप्ताह 13 तारीख तक चलेगा और इस सप्ताह में अनेक अनेक कार्यक्रम कभी पौधारोपण का है कहीं और किसी तरीके से है कहीं इसी कड़ी में आज यहाँ जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं सफाई कर्मचारियों को सम्मान करने का ही आज आयोजन रखा गया है। तो जो इस आयोजन जो 150वें वर्ष की जो समिति इसके संयोजक डॉक्टर बाहेती साहब हैं और शक्ति सिंह जी पिपरोड़ी हैं उनके अनुसार आज यहाँ पे 150 सफाई कर्मी महिला और पुरुषों का सम्मान किया जाए यह आयोजन आज किया। राज्य सरकार की विकासशील योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आज BDO तहसीलदार के साथ जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने VC के माध्यम से संवाद किया। नहीं है, मैंने कितनी बार डायरेक्शन दिए थे? 2-3 बार दिए थे, रिपीट भी करवाए थे आप लोगों से।
आवंटित नहीं है सर। और सर 164 आपको उसी में लैंड अलॉटमेंट करना था ना, ये आपको लिस्ट आपके पास है ना एजेंट साहब? सर लिस्ट ले लेंगे सर इनसे, अभी सर जमीन दिखवा के करवाते हैं। आपको इनसे थोड़ी लेनी है, आपको अलग से मैंने कहा था एजुकेशन से लेके आपको सर। तो फिर क्या किया साथ में आपने? इस वीक में हो जाएंगे सर। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बताया कि सभी अधिकारियों को कोरोना महामारी पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों और तहसीलदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस ले गए थे, जिसमें राज्य सरकार की योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और कोविड नियंत्रण के लिए रिव्यू किया गया और सभी को डायरेक्शन दिए गए कि योजनाओं में गति ले जाए और जितने भी पेंडिंग कार्य हैं उनका निस्तारण किया। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में केवल कोरोना वॉरियर्स को ही सम्मानित किया जाएगा। इस बार समारोह में स्कूली छात्र छात्राएं भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को मद्देनजर आमंत्रित नहीं किया गया, उन्हें शुभकामनाएं कार्ड प्रेषित किए जाएंगे। इस बारे में जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए हैं। उन्होंने 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाने के निर्देश दिए हैं। हर साल समारोह में विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाता था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। इस बार केवल कोरोना वॉरियर्स को ही सम्मानित किया जाएगा। पुरोहित ने बताया कि जिला स्तरीय मुख्य समारोह पटेल मैदान में होगा। 15 अगस्त का इस बार जो फेस्टिवल है वो कोविड वॉरियर्स को सम्मानित करना मुख्य थीम रहेगी और इसमें बच्चे और बुजुर्ग उनको बुलाने का नहीं रखा गया है। उसके अलावा जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो भी वयस्क लोग ही दे पाएंगे और इसमें कोरोना वॉरियर्स में जिन्होंने कोविड में बहुत ही अच्छा योगदान दिया उनको सम्मानित किया जाएगा। सर इसमें नियम कितने लोग रहेंगे? निमंत्रण है वो बुजुर्गों और बच्चों को छोड़ के बाकी लोगों को दिया जाएगा और ऐसा कोई अभी सीमा इसमें निर्धारित नहीं है, पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और थर्मल स्कैनिंग वहाँ पे रहेगी, तो ये प्रोटोकॉल के साथ मनाया जाएगा। कोरोना का असर इस बार त्योहारों पर भी पड़ा है। संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए किसी भी बड़े धार्मिक आयोजन की मना ही है। नवरात्रि, ईद, रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहार निकल गए हैं और लोगों ने घर पर रहकर ही त्योहार मनाया। जन्माष्टमी और गणेश उत्सव पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा मार पड़ी है उन मूर्ति बनाने वालों पर जिनका साल भर रोजगार और कमाई इसी पर टिका होता है। सड़क किनारे राधा कृष्ण की मूर्ति बेचने वाले विजय सिंह ने बताया कि श्री कृष्ण भगवान की सुंदर और भव्य मूर्तियों की कतार लगी होती थी, खरीदारों और ऑर्डर देने वालों की भीड़ लगी होती थी, लेकिन इस बार सब अलग है। पूरे दिन में 3-4 मूर्तियां बिक नहीं पा रही। धंधे की तो कुछ है ही नहीं, धंधा तो बिल्कुल ही नहीं है इस बार। पिछली बार से मतलब आज 10% भी धंधा नहीं है। सुबह से शाम हो गई लेकिन कुछ भी नहीं अभी तक बिल्कुल भी। पहले कम से कम 100 एक मूर्ति एक ठेले पे बिक जाती थी, अभी तो बिल्कुल ही नहीं है। मतलब सुबह से लेके एक दो मूर्ति बेची है। क्या मांग? बिल्कुल ही नहीं है। परेशान हो रखे हैं, कुछ धंधा पानी है नहीं और घर का गुजारा कैसे चलेगा कुछ नहीं कह सकते। कोरोना महामारी की वजह से बिल्कुल ही परेशान हो गए। कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाते थे, कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाती? ये सब है इस तरीके की मूर्ति है, लक्ष्मी गणेश की, सब मिट्टी से निर्मित है, ये सब शुद्ध मिट्टी के है। कितने ठेलेदार लगाते ठेले यहाँ पे? ठेले कम से कम 10-15-20 ठेले लगते हैं। इस बार तो 15-20 की जगह 5-6 ठेले ही लगे और सबने किसी ने भी माल नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा माल बनाया। जहाँ 100 बिकते थे वहाँ पे 50 ही बनाए, उसके बाद भी गलती मतलब मुश्किल से अपने 10-20 भी बिकना मुश्किल है, पब्लिक है नहीं रोड पे। ज़िंदगी में जीता जी सभी याद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मौत को भी अमर कर जाते हैं और ऐसे ही बिरला लोगों से आज हम स्वामी न्यूज़ के इस स्पेशल एपिसोड में मिलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच मौजूद है मुद्रा जी, जिन्होंने एक तरीके से अपने मृत्यु उपरांत अपने नेत्रदान और अंगदान की घोषणा की है। काफ़ी अहम एक फैसला है, उनसे जानते हैं कि किस तरह उन्होंने ये फैसला लिया। जी बताइए। मैंने ये सोचा कि मैं विज्ञान का पहले छात्र था और छात्र होने के नाते
मैंने ये सोचा कि जीवन जो है सांसारिक जीवन तो उपयोग हो गया, मगर मृत्यु के उपरांत जो है उसका क्या उपयोग हो सकता है। तो विज्ञान का छात्र होने के नाते मैंने ये सोचा कि इसका उपयोग शायद विज्ञान के छात्र जो पढ़ने वाले हैं उनके उपयोग में आ सकता है। इसलिए मैंने मृत्यु उपरांत जो है नेत्रदान की घोषणा की थी और जो शरीर है उसका भी मैंने दान उनके उपयोग के लिए ही किया है। ये बताइए कि अपने जैसे हिंदू एक मान्यता होती है, उसके बाद में एक अंतिम संस्कार होता है, सनातन की एक परंपरा होती है, क्या इन सब की दिमाग में आपके कुछ बाधाएं, कुछ अड़चन की भाई ऐसा संस्कृति के हिसाब से अनुकूल नहीं है, है क्या रहा आपके दिमाग में? मैंने तो ये कुछ सोचा नहीं, मैंने ये सोचा कि जो जीवन में मृत्यु उपरांत जो है ये शरीर जो है जलाया जाएगा और प्रकृति के 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जब 5 तत्वों में विलीन होता है तो ये तो बाद में भी विलीन हो सकता है, इसलिए ये मृत्यु उपरांत जो है न जला करके मैंने इसको जो है दान देने की घोषणा की है। आपके पूरे परिवार का इसमें किस तरह का एक सहयोग है, क्या उनकी क्या भावना है? परिवार वाले तो सभी, जैसे मैंने कहा था इनको कि भाई मेरी ये अंतिम इच्छा है, मैं इसको जो है मेरे नेत्र भी दान में दूंगा और मेरा शरीर जो है अगर उपयोग में आ जाता है किसी के तो मैं इसको भी दान देने में ध्यान दूंगा, इसलिए आपको कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए और मेरी बात कहना मान करके आप इसको जो है मृत्यु उपरांत जो अपने चिकित्सालय है उनको जो है देने की कोशिश करें। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मृत्यु उपरांत तो सारा शरीर जो है वैसे ही जल जाएगा और उसकी राख हो जाएगी, उससे अच्छा है कि अगर ये सांसारिक जीवन के बाद में मृत्यु उपरांत जो है अगर किसी के उपयोग में आए तो आप सबको भी जो है इसका दान देने में सहयोग करना चाहिए। जन्माष्टमी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया है मेगा ट्रेड डिस्काउंट, कैशबैक ऑफर, एक्सचेंज गिफ्ट ऑफर, किचन होम एम्प्लाइजेस, मिक्सर ग्राइंडर, चिमनी, गैस स्टोव, आटा चक्की खरीदने पर दिया जा रहा डिस्काउंट, साथ ही एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, मोबाइल, होम थिएटर, डीप फ्रिज, कूलर, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, हैंड ब्लेंडर, ड्रायर, आयरन, फैन, केटल, गैस स्टोव पर दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। इन सभी ऑफर का फायदा उठाने के लिए चले आइए स्टेशन रोड मार्टिनन ब्रिज के सामने बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम पर। तो आप आए बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स पे, हमारे पास बहुत तरह की, अभी ये मेगा हमारा पूरा मेगा ट्रेड डिस्काउंट की स्कीम का है। हम चाहते हैं ग्राहक को दिल खोल के हम डिस्काउंट दें, प्राइस भी कम हम करके दे रहे हैं, प्लस मेगा ट्रेड डिस्काउंट का ऑफर भी दे रहे हैं, प्लस कैशबैक की स्कीम, एक्सचेंज ऑफर, इजी ईएमआई। आप आए, हमारी स्कीमों का फायदा होता है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।